Assalamualaikum dear students, how are you? Hope you will be fine. In last lecture that I have presented on my computer in the form of presentation, I have discussed logic gates with two inputs. Today we will discuss logic gates with three inputs. But before moving towards logic gates with two inputs, I will first over give you the overview of logic gates with two inputs. And remember students, remember one thing, whenever you are going to learn logic gates, logic circuits, you must have the shapes and operations of that logic gates in your mind. अगर आपके जहन में उनकी शेप्स होंगे और ये पता होगा कि इस गेट का फंक्शन क्या है या आउटपुट कैसे जनरेट करके देता है, तो आपको इनको समझने में बहुत आसानी होगी. तो सबसे पहले बेटा इस तरफ आ जाए आप लॉजिक गेट्स में. हमारे पास क्या है? नॉट है, नॉट गेट है. और मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में कि नॉट गेट ऑलवेज वर्क्स ऑन सिंगल इनपुट. ये हमेशा आपकी जो भी इनपुट होगी उसका इनवर्स आपको देगा. जिस तरह मैंने आपको बताया है कि सपोज यहां पे अगर मेरे पास x इक्वल टू जीरो है तो x नॉट क्या होगा? x नॉट विल ऑलवेज बी वन. अब देखें इसी तरह मेरे पास क्या है जी? एंड गेट है. तो एंड गेट में टू इनपुट्स, थ्री इनपुट्स हो सकती हैं, जितनी आप इनपुट्स देना चाहें. अगर आप टू इनपुट्स की बात कर रहा हूं, देखो यहां पे मैंने आपको बताया अगर x इधर में कहता हूं इक्वल टू जीरो है और यहां पे x इक्वल टू वन है, ये y इक्वल टू वन है, सॉरी ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं. तो एंड में मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट फॉलो होता है कि मींस इसका ऑपरेशन, इसका रूल ये है, व्हेन एवर दी बोथ द इनपुट्स विल बी वन द आउटपुट विल बी वन, अदरवाइज द आउटपुट विल बी जीरो. अब देखें आप कैसे, यहां पे पहली इनपुट जो मैंने इस गेट को दी जीरो दी, दूसरी इनपुट वन दी, तो मेरे इसके जो आउटपुट आएगी डेट विल बी जीरो. ये देख लें एक्स डॉट वाई, एक्स डॉट वाई, एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू जीरो. ठीक हो गया ये गेट जब ऑपरेशन परफॉर्म हुआ. उसके बाद मेरे पास है जी और गेट. मैंने आपको बताया इसके अंदर एडिशन परफॉर्म होती है, ये देख लें आप साइन एडिशन का. इसमें अमंग टू इनपुट्स और अमंग थ्री इनपुट्स अगर कोई एक इनपुट भी वन है तो आपकी आउटपुट वन आएगी. इसमें जीरो आउटपुट तभी आएगी जब आपकी सारी आउटपुट जीरो होगी, इनपुट्स सारी इनपुट्स जीरो होगी. सपोज ये जैसे मैं कहता हूं एक्स इज इक्वल टू जीरो है और यहां पे मैं कहता हूं वाई इज इक्वल टू वन है, ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं. तो जब इसको ये आर करेगा तो ये आपको देगा जी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन. दोनों अगर वन है तो फिर भी इसकी आउटपुट वन नहीं होगी, टू नहीं होगी. याद रखना ये ना गलती कर दो, ये वाला ऐड नहीं है मैथ्स वाला. इसमें अगर दोनों आउटपुट्स वन है तब भी आउटपुट वन है. ठीक है, उसके बाद है मेरे पास एक्सक्लूसिव और, जिसको एक्सोर भी कहते हैं. गेट की शक्ल देख लो बिल्कुल आर की तरह ही है, देख लो आर के पीछे एक्स लगा हुआ है. तो आर के पीछे एक्स लगा हुआ है तो सिंपल आपने इस गेट के पीछे एक एक्स वाली ब्रैकेट लगा देनी है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट ताकि ये आपका एक्सक्लूसिव आर बना दे. आपका जो एक्सक्लूसिव आर है इसका जो रूल है, इसका रूल ये है कि जब आपकी दोनों इनपुट्स अगर आपकी सेम है, मतलब दोनों जीरो जीरो है या दोनों वन वन है, या तीनों इनपुट्स अगर जीरो जीरो या तीनों वन वन है, तो आपका हमेशा एक्स एक्सक्लूसिव आर वाई जीरो होगा. अगर सेम है, दोनों इनपुट सेम है, तीनों इनपुट सेम है, तो उसका रिजल्ट हमेशा जीरो होगा. और देखो ये एक्स और है ना, तो सिंपल देखो ये भी एक्स प्लस वाई है, ये भी एक्स प्लस, सिर्फ वाई प्लस के ऊपर आपने ये सर्कल लगा देना है तो उसको ये एक्सक्लूसिव आर बना देगा एक्स और. अब देखो x इक्वल टू वन, y इज इक्वल टू जीरो, तो इसकी आउटपुट वन आ गई. अगर डिफरेंट आ गई इनपुट तो वहां पे आपकी हमेशा आउटपुट वन होगी. अगर इनपुट सेम है, अगर टू इनपुट्स हैं, थ्री इनपुट्स हैं सेम है, तो आपकी इनपुट जीरो आएगी बेटा. उसके बाद बेटा हमारे पास है जी नैंड गेट. तो नैंड का मतलब होता है नॉट एंड, जो एंड का रिजल्ट है उसका इनवर्स. नैंड का क्या मतलब होता है? नॉट एंड, जो एंड का रिजल्ट आया ना उसका इनवर्स क्या होगा? मेरे पास नैंड होगा. आप देख सकते हो ये एंड गेट की तरह ही है, ये एंड
एंड गेट की तरह है। तो ये जो एन है, इस एन को उसने इस नॉट के साथ रिप्रेजेंट कर दिया, उसने कहा जी नॉट एंड। देख लो यहां पे मैंने एंड में एक्स इक्वल टू जीरो किया था, इधर भी एक्स इक्वल टू जीरो है और वाई इक्वल टू वन था, वाई इक्वल टू इधर सपोज जीरो है। अगर दोनों जीरो जीरो है, दोनों जीरो जीरो हैं, तो एंड का रिजल्ट क्या आता है मेरे पास, जीरो आता है ना मल्टीप्लाई होते अगर। तो इसने कहा जी एक्स डॉट वाई नॉट, ऊपर ये स्लैश लगा दी, तो इसका रिजल्ट जीरो नहीं लिखा, वन लिख दिया, एंड का इनवर्स रिजल्ट लिखा। इसी तरह देखो एक्स इक्वल टू अगर वन है, जिस तरह ये लिखा हुआ है, और वाई इक्वल टू वन है, इसका रिजल्ट क्या आया था मेरे पास, वन आया था ना। तो जब नैंड होगा एक्स इज इक्वल टू वन वाई इज इक्वल टू वन, तो देखो इसका इनवर्स का रिजल्ट आया हुआ है, वो क्या आया जी जीरो आया। तो ये मेरे पास क्या आया जी नैंड आया। अब नैंड के बाद है मेरे पास नॉर, इसका मतलब है नॉट आर। ये जो आर मेरा लिखा हुआ है, इसका जो इनवर्स होगा वो मेरे पास नॉर होगा, उसका मतलब है जी नॉट आर। देख लो जिस तरह यहां पे मैंने एक्स को जीरो किया वाई को जीरो किया, इधर भी एक्स को जीरो किया वाई को जीरो किया, दो इनपुट्स दे रहा हूं। अब देखो अगर जीरो सॉरी ये यहाँ पे जी ये और ये है, एक्स भी जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो है, यहाँ पे वाई इक्वल टू वन है, तो एक्स प्लस वाई क्या आया था वन आया था। इधर मैं कहता हूँ उसी तरह एक्स इज इक्वल टू जीरो और मैं कहता हूँ वाई इज इक्वल टू वन, तो इसका क्या रिजल्ट था, एक्स प्लस वाई वन था, तो ये नॉट और है, तो ये वन नहीं होगा, ये जीरो होगा इसका रिजल्ट, उसका इनवर्स होगा। मीन्स कि अगर दोनों इनपुट्स डिफरेंट है तो रिजल्ट जीरो है, सेम है तो वन है, ठीक है। ये एंड का जो है इनवर्स हो गया एक तरह का, ठीक है। अब आप देखें, अब आपको मैं इसके ट्रुथ टेबल्स जो हैं वो डिटेल में समझा देता हूँ। ट्रुथ टेबल बेटा, ट्रुथ टेबल टू इनपुट्स के साथ मैं आपको समझा चुका हूँ। देखो अगर टू इनपुट्स की बात करते हैं तो टू इनपुट में होता है टू पावर टू, सो इक्वल टू होता है ये फोर। अगर फोर होता है तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास ये जो टेबल बनेगा इसके अंदर अगर मैं एक्स ले रहा हूँ, टू इनपुट से मुराद मेरा एक्स और वाई है, ये मेरा एक्स है और ये मेरा वाई है, तो एक्स वाई में मतलब टोटल चार इनपुट्स होंगी, चार इनपुट्स होंगी, तो इसका मतलब ये है पहले दो जीरो होंगे एक्स में और दूसरे दो वन, वाई में पहला जीरो दूसरा वन, फिर पहला जीरो दूसरा वन होगा। अगर मैं कहता हूँ जी मेरे पास इनपुट्स थ्री हैं, थ्री इनपुट्स, ये टॉपिक एक्स वाई जेड ले रहा हूं मैं, तो इसका मतलब यह है टू पावर थ्री, तो टू पावर थ्री क्या होता है एट होता है, और इसका मतलब है अब ये एक्स वाई और जेड होगा, ये एक्स वाई जेड का टेबल भी इधर साथ में बनाता हूँ ताकि आपको ये चीज साथ साथ क्लियर हो, मेरे में एक्स है, ये मेरा वाई है, ये मेरा जेड है। अब आप देख लें टू पावर थ्री मीन्स एट इनपुट, तो एट इनपुट्स में एक्स में पहली चार होंगी, पहली चार जीरो होंगी, वन टू थ्री फोर जीरो, और अगली चार वन होंगी, वन टू थ्री फोर। और जब आप वाई की बात करेंगे, वाई में पहली जीरो दूसरी वन फिर जीरो, ना सॉरी वाई में पहली दोनों जीरो फिर दूसरी दोनों वन फिर दूसरी दोनों जीरो फिर दूसरी दोनों वन, आठ इनपुट्स पूरी करनी है। इसी तरह जब जेड की बात करेंगे तो एक जीरो एक वन फिर एक जीरो फिर एक वन फिर एक जीरो एक वन एक जीरो एक वन, इनको जरा लाइंस लगाता हूँ क्योंकि इन पे ऑपरेशन भी हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अच्छा जी ये जी आगे जी लाइंस बेटा, ये टू इनपुट्स वाला मैं आपके लिए फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसको देख ले, अगर लास्ट लेक्चर में समझ नहीं आया तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखें बेटा इसके अंदर अगर मैं यहां पे कहता हूं जी मेरे पहला ऑपरेशन परफॉर्म करना है जी एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। अब देखो जी एक्स एंड वाई है, तो एक्स एंड का रूल पड़ा था दोनों इनपुट्स सेम होंगी तो रिजल्ट मेरे पास वन आएगा, मींस मल्टीप्लाई होगी, अगर दोनों जीरो होंगे तो रिजल्ट जीरो ही होगा। देखो जीरो जीरो मेरे पास क्या आएगा यहां पे एंड में जीरो ही आएगा, जीरो वन क्या आएगा ये भी मेरे पास जीरो ही आएगा, वन जीरो क्या आएगा ये भी जीरो ही आएगा, लेकिन जब वन वन आएगा तो एंड में ये दोनों मल्टीप्लाई होगी आपको वन ही देगी, एंड का ये रूल हम पढ़ चुके हैं टू इनपुट्स में। अगर आप बात कर रहे हैं आप एक्स प्लस वाई की, तो एक्स प्लस वाई में क्या होगा, एक भी इनपुट अगर वन है तो रिजल्ट वन होगा, जीरो तब भी होगा जब दोनों इनपुट्स जीरो होंगी। तो देखो अगर इसको मैं और करता हूं तो जीरो 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 होगा, जीरो वन 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 जीरो वन 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 आ गया,
इसके बाद देखें, अब मैं क्या कहता हूं जी, एक्सक्लूसिव और करते हैं जी, इसमें एक्स और, एक्स एक्सक्लूसिव और वाई, एक्स एक्सक्लूसिव और वाई अगर करते हैं तो अब क्या रिजल्ट आएगा? इसके हम रूल पढ़ चुके हैं कि ये दोनों इनपुट सेम होंगी तो मेरे पास, ये देखो एक्स जीरो था वाई जीरो था, इनपुट जीरो होगी, ये दोनों सेम है, एक्स और वाई सेम है, तो इसका रिजल्ट भी जीरो, जीरो वन, इसका रिजल्ट वन, वन जीरो, इसका रिजल्ट वन, वन वन, तो इसका रिजल्ट आएगा मेरे पास जीरो। उसके बाद है जी मेरे पास नैंड, नैंड गेट, तो नैंड का क्या रूल पड़ा था, नैंड का रूल पड़ा था नॉट एंड, नॉट एंड, तो ये देख लो, ये जो आपने एंड किया हुआ है ना, इसका इनवर्स आप लिख दें तो ये नैंड बन जाएगा, ये वन 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 जीरो लिख दें तो ये बन गया जी नॉट एंड, और नॉट एंड के बाद, नैंड के बाद है मेरे पास जी नॉर गेट, तो नॉर का मतलब था जी नॉट और, नॉट और, तो नॉट और इसका क्या है जी, मेरे पास और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जीरो है तो जीरो वन हो जाएगा, वन है तो जीरो हो जाएगा, वन है तो जीरो हो जाएगा, वन है तो जीरो हो जाएगा, ये मेरे पास नॉर आ गया। तो ये जो थी टू इनपुट्स की बात थी, अब थ्री इनपुट्स के साथ अगर आपने डील करना है तो आपका टेबल कैसे एक्ट करेगा, आपकी टेबल की इनपुट्स कैसे मैनेज होंगी, ये रूल्स फॉलो होंगे। अब देखें कैसे, अब मैं कहता हूं जी सबसे पहले x डॉट y डॉट z, इन तीनों का एंड कर दो, इन तीनों का क्या करो, एंड करो, तो एंड का रूल ये है कि जब तक तीनों वन नहीं होंगे तो रिजल्ट वन नहीं होगा, अदरवाइज जीरो ही होगा, तो ये तीनों जीरो है तो इसका रिजल्ट जीरो आएगा। इसी तरह x जीरो y जीरो और z वन, तो ये तीनों वन होंगे तो तब एंड में वन होगा जीरो, ये भी 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 जीरो, एंड में सिर्फ ये लास्ट वाला वन आएगा, क्योंकि इसमें कंडीशन ट्रू हो रही है कि तीनों वन है। उसके बाद देखें मेरे पास है जी x प्लस y प्लस z, जब x प्लस y प्लस z किया तो उसमें इन तीनों में अगर कोई एक इनपुट भी वन आ रही है तो आउटपुट में वन रिजल्ट आएगा, तो ये देखो ये तीनों जीरो है तो ये जीरो ही होगा, इसका वन होगा, ये भी वन 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 वन, देख लो ये मेरे पास क्या है जी और गेट विथ थ्री इनपुट्स। अब देखे उसके बाद है मेरे पास एक्सक्लूसिव और वाई, अगर मैं इन तीनों को एक्सक्लूसिव और करता हूं जेड, अब क्या होगा, तो उसका रूल पढ़ चुके हैं, अगर सारी इनपुट सेम है तो रिजल्ट आपने जीरो लिखना है, ये देखो पहली इनपुट सेम, दूसरी इनपुट सेम, तीसरी इनपुट सेम, तो उसका रिजल्ट जीरो आया, देख लो ये तीनों सेम नहीं है, जीरो जीरो ये वन आया तो रिजल्ट वन हो गया, ये भी सेम नहीं है रिजल्ट वन, ये भी सेम नहीं है वन, ये भी सेम नहीं है वन वन वन, ये तीनों इसकी इनपुट्स पहली सेम है तो इसका रिजल्ट भी जीरो हो जाएगा। ये मेरे पास क्या आ गया जी एक्सक्लूसिव और विथ थ्री इनपुट्स। इसी तरह एक्सक्लूसिव आपकी थ्री इनपुट्स की अगर हम नैंड की बात करें तो मैंने आपको बताया था नॉट एंड होता है एक्स डॉट वाई डॉट जेड, एक्स डॉट वाई डॉट जेड, इधर भी आप कर सकते हैं जी एक्स डॉट वाई के ऊपर ये डाल दिया, ये एक्स प्लस वाई के ऊपर ये डाल दिया, तो ये आपका नॉर होता है, तो एक्स डॉट वाई डॉट जेड का नॉट इनवर्स, तो ये जो आपने x डॉट वाई किया इसकी सारी इनपुट्स को इनवर्स लिख दो, तो मीन्स x डॉट वाई डॉट जेड क्या आएगा, इधर ही बना देता हूँ x डॉट वाई डॉट जेड, तो ये जीरो वन, ये जीरो वन 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 वन, और ये जीरो हो जाएगा। और इसी तरह जब आपका x नॉर x प्लस वाई प्लस जेड नॉर आएगा, ठीक है, तो नॉर में ये सारा इनवर्स हो जाएगा, तो ये क्या है जी जीरो वन हो जाएगा, जीरो 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 जीरो, तो ये बेटा हमारा था जी ट्रुथ टेबल्स विथ थ्री इनपुट्स के, मतलब अगर जब आप थ्री इनपुट्स को डील कर रहे हैं या हैंडल कर रहे हैं तो आप अपने ट्रुथ टेबल्स कैसे बनाएंगे, और बेसिक ऑपरेशंस जो थे वो मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट इंशाल्लाह जब मैं आपके पास नेक्स्ट लेक्चर में आऊँगा तो मैं आपको ये गेट्स और ये सर्किट्स जो हैं, ये अपने गेट्स और सर्किट्स आपको इंशाल्लाह डिटेल में बनाने सिखाऊंगा,
होप अभी तक जो आपको पढ़ाया समझ आया होगा. इफ देर इज एनी क्वेश्चन यू कैन लीव इट इन अ कमेंट. थैंक यू. ओके, अल्लाह हाफिज़.